बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ वो है फ़िश पुलाव। तो आज देखते हैं फ़िश पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं, ये बासमती चावल हैं। 1 किलो मछली, ये कुन मछली कहलाती है, और इसके मैंने इतने बड़े पीस करा लिए हैं। 1 कप दही, दही को सही तरीके से फेंट लेना है। 3 टेबल स्पून अदरक, 3 टेबल स्पून लहसुन और 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून सौंफ, और खड़े मसाले में हमें चाहिए 10 साबुत काली मिर्च, 2 बादियान के फूल, 5 इलायची, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का पीस, 2 चिकन क्यूब्स, 3 से 4 बारीक हरी मिर्चें, क्योड़ा एसेंस और 2 बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज। अब हम अपना फ़िश पुलाव बनाना शुरू करते हैं। फ़िश पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पतीली में 1 कप के करीब वेजिटेबल ऑयल शामिल करूँगा। और वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगा बारीक कटी हुई प्याज और इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगा। प्याज ब्राउन हो चुकी है, प्याज ब्राउन होने के बाद इस पॉइंट पर थोड़ी सी ब्राउन प्याज इसमें से हम अलहदा कर लेंगे। और प्याज निकालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगा अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। और इन तीनों चीज़ों को तेल के साथ फ्राई करूंगा एक दफा सही से। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट फ्राई होने के बाद अब इसमें जाएगा दही। और दही को भी इन चीज़ों के साथ एक दफा सही तरीके से मिक्स करना है। दही को मिक्स करने के बाद अब इसमें खड़ा मसाला जाएगा। और अब सब चीज़ें डाल लेने के बाद अब मैं इनके अंदर मसाले डालूंगा, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, सौंफ और जीरा पाउडर। इस पॉइंट पर इसमें गरम मसाला नहीं डालना, गरम मसाला सबसे आखिर में इसमें ऐड होगा। और ये सारे मसाले डालने के बाद इन सब चीज़ों को एक दफ़ा मीडियम आंच पर भूनना है। सारा मसाला भून जाने के बाद अब मैं इसके अंदर चिकन क्यूब्स डालूंगा और चिकन क्यूब्स को भी इस मसाले के साथ सही तरीके से मिक्स कर दूंगा। चिकन क्यूब्स ही मसाले के साथ सही तरीके से मिक्स हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर मछली डालूंगा। मछली को बहुत आराम से फैला फैला के रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना। और मछली को ज्यादा हिलाना भी नहीं है वरना ये टूट जाएगी। अब मैं मछली को पकने के लिए छोड़ दूंगा तकरीबन 3 मिनट के लिए। पतीली पर ढक्कन लगाकर फ्लेम लो कर दूंगा
मछली को पकने दूंगा तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। मछली को हल्की आंच पर पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और अब उसका ढक्कन हटाऊंगा। मछली को हमें इस पॉइंट पर पूरा नहीं गलाना क्योंकि हम इसको दम पे भी गलाएंगे। अब मछली का साइड चेंज कर देनी है। सारी मछलियों की साइड चेंज कर लेने के बाद अब मैं इसको दोबारा ढकूंगा और दूसरी साइड से भी मछली को गलने दूंगा तकरीबन 3 मिनट के लिए। मछली को दूसरी साइड से पकते हुए भी 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसके ढक्कन हटाऊंगा। हमारी मछली हाफ डन हो चुकी है और बाकी ये दम में गल जाएगी। और अब इस पॉइंट पर मछली को पतीले से निकाल लेना है। अब इस मसाले के अंदर 6 गिलास पानी डालना है। मसाले में 6 गिलास पानी डाल लेने के बाद अब पानी को उबाल आने तक पकाना है। पानी में उबाल आने के बाद अब इसमें डालना है गरम मसाला। हरी मिर्चें और 3-4 ड्रॉप क्योड़े एसेंस के। और अब इन सब चीज़ों को सही तरीके से मिक्स करना है। ये तमाम चीज़ें मिक्स होने के बाद पानी में उबाल आने के बाद अब मैं इसमें डालूँगा चावल। चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगो लिया था सही तरीके से धो के। और चावल डालने के बाद चावलों को एक दफ़ा सही तरीके से मिक्स कर लेना और पानी में दोबारा उबाल आने तक इंतज़ार करना है। चावल डालने के बाद पानी में उबाल आ चुका है और इस वक्त पुलाव में नमक चेक कर लेना है। मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक डालने के बाद इसको चावलों के साथ सही तरीके से मिक्स करना है। और अब पुलाव को तेज आंच पर पकाना है और हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इतना सारा पानी खत्म नहीं हो जाएगा। चावलों को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर से सारा पानी खत्म हो चुका है। थोड़ा पानी बचा है बस। आप इस पॉइंट पर अपने चावल चेक कर लिएगा। अगर इस पॉइंट पर चावल सही तरीके से ना गले हों तो इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके इसको 1 मिनट तक और पका लिएगा। इस पॉइंट पर अब मैं इसका फ्लेम बंद करूंगा। और पतीली के नीचे एक मोटा तवा रख दूंगा और अब फ्लेम हाई करके सबसे पहले पुलाव के अंदर डालूंगा इसकी फिश। और सबसे आखिर में इसमें डालने हैं वो प्याज जो हमने बचाई थी थोड़ी सी। अब मैं पतीली के ऊपर ढक्कन ढक दूंगा और पुलाव को दम पे छोड़ दूंगा तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। पुलाव को दम पर लगे हुए 7 मिनट हो चुके हैं और अब इसका एक ढक्कन हटाएंगे। सही तरीके से भाप आ चुकी है पुलाव में। अब हम पुलाव को डिश आउट करेंगे।
सबसे पहले ये मछली उठा के एक साइड पे कर लेनी है ताकि निकालते वक्त टूट ना जाए। हमारा फिश पुलाव रेडी है।